So let's see what is Dolo's principle. He is famous for his work on dinosaurs. Hello friends, my name is Dr. Huma Hassan and today we'll have a discussion on Dolo's law. So let's see what is Dolo's principle. Now this Dolo's principle is proposed to us by a Belgian paleontologist . He is famous for his work on dinosaurs, okay, and on his observation of fossil records, he proposed a very dynamic concept, that is principle of irreversibility, or you can say that Dolo's law of irreversibility. So on his observation of fossil records, he gave us a very important principle, that is principle of irreversibility. Okay, now what is this principle of irreversibility? You can say this here. So Louis Dolo proposed that once the trait is lost, it cannot reappear in the next generation. Okay, so this is the main argument. It says that evolutionary changes are irreversible, and once the trait is lost, अगर एक बारी trait lost हो गया है तो अब जो subsequent evolutionary changes आएंगे उसमें आप वो characteristics को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो fossil records को read कर रहे थे, देख रहे थे, बहुत अच्छे से he has analyzed the changes. So ये जो Dolo's law है, that is the law of irreversibility, ये सिंपल कह रहे हैं कि जब हम इवॉल्व कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप टीथ का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव बिकम होमो सेपियंस सेपियंस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा से नीएंडरटल बन जाएंगे या फिर क्रोमैग्नन बन जाएंगे या फिर वी विल बिकम होमो इरेक्टस और होमो एबिलिस और ऑस्ट्रोलोपिथेकस. तो ये जो चेंजेस है, ऐसे नहीं है कि अगर हमको दोबारा से उस कंडीशन में भी रख दिया जाए तब भी हम अपने पहले वाले कंडीशन में या पहले वाले जो ट्रेट्स हमारे थे वो हमारे पास अब नहीं आ सकते हैं. तो आपको समझना है that what are the two factors which help us to understand the mechanism of Dolo's rule. So aap broadly isko do category mein divide kar sakte hain, okay, so you can see it here, mechanism of Dolo's law. पहला है genetic factor,
दूसरा है डेवलपमेंटल फैक्टर। ओके, सो इट्स मीन दैट जो जेनेटिक चेंजेस एवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस में ऑर्गेनिजम्स में आ चुके हैं वो दोबारा रीगेन नहीं हो सकते, क्योंकि जो जेनेटिक्स इंट्रैक्शन है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है जेनेटिक्स की, वो कॉन्स्ट्रेंट पैदा करेगा सो दैट इट कैन गो बैक टू इट्स प्रीवियस फेज। सो इट्स मीन दैट द जीन्स विच इज वन लॉस्ट, नाउ इट विल हैव न्यू सर्कमस्टांसेस और न्यू कंडीशंस फॉर द न्यू जीन्स विच इज फर्दर गोइंग टू चेंज। Now the genetic traits or the factors जो पहले lose हो चुके हैं, अब वो genes आगे, क्योंकि in the process of changes वो change हो चुके हैं, अब वो आगे आपको नहीं मिलेंगे, right? And then the second point, it is of developmental factors. We know that that in the process of development, okay? So the second point is developmental factor. So we know that कि जब आपका ये एक pathways होता है development में, कि आप एक way में develop कर रहे हैं, so when you are developing you cannot go back to your previous stage. Now what happen is that the loss of trait, जो कि trait आप lose कर चुके हो, because of that you will have a development of new traits. अब ये new trait न्यू फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आपके पास एक न्यू फंक्शंस है, एक न्यू ट्रेट्स है, जो कि प्रीवियस फंक्शंस या प्रीवियस ट्रेट को एनकरेज नहीं करेंगे। सो इट मेक डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग फॉर द ट्रेट टू बी रीगेन्ड। तो इतनी सी ही पॉइंट है डोलोस प्रिंसिपल का, कि एक बारी जो चेंजेस आ चुके हैं वो वापस नहीं होंगे। अब इसमें कई तरीके से क्रिटिसिज्म भी है, सो पीपल हैव क्रिटिसाइज दैट दिस लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल। सो पीपल हैव क्रिटिसाइज कि जो ये डोलोस प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सली आप देखेंगे, कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लॉस ट्रेट थे वो दोबारा से रीगेन हो चुके हैं। तो डोलोस रूल जो है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। सो दोज हु क्लेम दैट डोलोस प्रिंसिपल इज द फाइनेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सो उनका कहना है कि जो ट्रेट्स हम किसी ऑर्गेनिजम्स में दोबारा से देखते हैं, कि एक बारी वो लॉस्ट हो चुके थे और वो दोबारा अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जन एवोल्यूशन। ओके, तो इसका क्रिटिसिज्म हम देखेंगे। सो व्हाट इज इट्स क्रिटिसिज्म? सो इट्स क्रिटिसिज्म इज दैट डेफिनेटली इट्स नॉट यूनिवर्सल एंड इन सम ऑर्गेनिजम्स जो लॉस्ट ट्रेट थे वो रीगेन हो चुके थे, रीगेन है। ऑलराइट, तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है दैट पीपल सेज कुछ ऑर्गेनिज्म से जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं टू ऑल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज देर आर सम ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव यू नो दे हैव गॉट दैट एबिलिटी टू प्रोड्यूस दोज एंजाइम्स अगेन एंड इट रीगेन थ्रू एवोल्यूशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये तो एक मेन क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। अब इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया गया, सो वी डू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑन दिस। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव गॉट दोज लॉस ट्रेट्स कुछ पॉइंट्स, सो वहां पे इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कन्वर्जन एवोल्यूशन। ओके, सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है?
कि सिमिलर ट्रेड्स इवॉल्व करे हैं इंडिपेंडेंटली सेपरेट लीनियजेस. इन सेपरेट लीनियजेस तो उनकी लीनियजेस डिफरेंट थी और उस तरीके से वो लॉस ट्रेड आए हैं. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ री एवोल्यूशन. ओके, तो पॉइंट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का क्या है, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड नॉट ऑफ री एवोल्यूशन. ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट रहा है बायोलॉजी में डॉलोस प्रिंसिपल का. एक वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं दैट हाउ यू नो हाउ द एवोल्यूशन टुक प्लेस एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ एवोल्यूशन एंड हाउ द जेनेटिक एंड डेवलपमेंट मैकेनिज्म हैव गॉट इनटू एवोल्यूशनरी पॉइंट. सो लार्जली हम ये कह सकते हैं कि जो कंसेंसस है अमंग बायोलॉजिस्ट पैलियोन्टोलॉजिस्ट पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट जो मेजर एवोल्यूशनरी चेंजेस है वो इरिवर्सिबल है. ओके, सो ये एक प्रिंसिपल है, इसको हम एक फैक्ट की तरह नहीं देखते हैं. सो इट्स अ डॉलोस लॉ जो सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि जो भी चेंजेस वी हैव वी कैन सी इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इट इज इरिवर्सिबल. सो आप कह सकते हैं क्योंकि बहुत बारी ऐसा डिस्कशन रहता है अडाप्टेशन में कि कुछ पॉइंट्स या कुछ स्मॉलर चेंजेस जो कि वापस आए हैं उसके वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया है. बट यू कैन सी दैट द मेजर चेंजेस विच हैपन्स इन ऑर्गेनिजम्स इट इज इरिवर्सिबल. सो दिस इज इट फॉर टूडेज डिस्कशन. थैंक यू सो मच.